Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियलिटी टॉक के एक और एपिसोड। आज हम बात करेंगे रेरा के ऊपर। अब आप कहेंगे कि रेरा पे तो सबने बात कर ली, मई में आ गया था, अब तो बहुत दिन हो गए आए हुए, आप थोड़ा लेट हो गए। लेकिन हम आज रेरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। रेरा है क्या, और रेरा तो कानून की तरह आया था, लेकिन इसके आने के बाद आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ कहाँ पे रेरा लागू हुआ, कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ, कितने बिल्डर को इससे सज़ा मिली, और जो उपभोक्ता थे, खरीदार थे, वो इससे कितने सशक्त हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेरा है क्या, कैसा नियम है ये। तो रेरा आया है जी बिल्डर्स से बायर्स को बचाने के लिए। जो खरीदार हैं, पहले वो बड़े असमंजस में रहते थे कि हम किसके पास जाएँ, कहाँ रिपोर्ट लिखवाएँ, क्या करें। इसके खिलाफ कोई सख्त नियम नहीं था बिल्डर्स के लिए, लेकिन अब नियम आ गया है। नियम है रेरा। रेरा को केंद्र ने पास किया है। अब केंद्र ने करा है तो ये देश के हर राज्य पे आना चाहिए, हर राज्य में लागू होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 मई 2017 से। तो जी ये लागू हो चुका है, हर राज्य में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में लागू हो गया है। अब बता दें कि रेरा खरीदारों को यानी आपको सशक्त ताकतवर कैसे बनाएगा। तो जी बात ऐसी है कि आप गए फ्लैट लेने, फ्लैट आपने देख लिया, तो बिल्डर पहले आपको हर बात नहीं बताता था कि फ्लैट की असल कीमत क्या है। उसके बाद भी वो नई चीज़ें उसमें जोड़ दिया करते थे कि सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं जी, लागत महंगी हो गई है, या जो हमारी लेबर है लेबर महंगी हो गई है। कई सारे बहाने बना के वो फ्लैट के बाद में रेट बढ़ा देते थे, आपको बताते कुछ और थे, और कुछ दिनों बाद आपसे पैसे और ऐंठे जाते थे फ्लैट के नाम पर। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब बिल्डर ने आपको जितने रुपए बताए हैं उसे उतने ही लेने पड़ेंगे आपसे, उससे एक चवन्नी आपसे फालतू नहीं ले सकता। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो रेरा है, रेरा के अंदर आपके फ्लैट से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जैसे कि आपके फ्लैट का ठेकेदार कौन है, सामान कहाँ से आ रहा है, आपका जो फ्लैट बन रहा है, आपका जो घर बनने वाला है भविष्य में, उसके लिए क्या ज़रूरी सारे लाइसेंस ले लिए गए हैं, सारी मान्यताएं ले ली गई हैं, अथॉरिटी से पास हो गया है, इन सब की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इन सब की जानकारी बिल्डर को आपको देनी ही पड़ेगी, उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। ना तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है और ना ही वो मना कर सकता है। यदि वो ऐसा कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ़ आप रेरा के तहत केस लिखवा सकते हैं, और उसे 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको शुरू से समझाते हैं कि अगर आप खरीदार हैं तो रेरा की कहानी आपकी ज़िंदगी में कहां से शुरू होती है। आपसे पहले आ गया बिल्डर जिसे फ्लैट लेना है, जिसे फ्लैट बना के आपको देना है। तो वो जब एक प्रोजेक्ट समझ लेगा, वो सोच लेगा प्रोजेक्ट के बारे में, अथॉरिटी से पास करवा लेगा वो उसको, उस फ्लैट को, उस प्रोजेक्ट को, तो उसे उस प्रोजेक्ट के साथ ही एक बैंक अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर वो उस फ्लैट से, उस प्रोजेक्ट से आने वाली जितनी भी कमाई होगी उसका 70% उस बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा, जो पैसे खरीदार ने दिए हैं वो पैसे। वो इसलिए कि वो जो 70% होगा खरीदार का पैसा, वो सारा का सारा पैसा निर्माण में खर्च होना चाहिए, उस फ्लैट के निर्माण में जो खरीदार ने दिया है, वो पैसा कहीं और या किसी और प्रोजेक्ट में खर्च नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जो बायर होगा, बायर को सारी जानकारी तो मिल ही जाएगी। तीसरी बात आ जाती है, इसमें तीसरी बात ये आ जाती है कि जो खरीदार होगा, खरीदार को जो पोजीशन डेट मिल गई, वो पोजीशन डेट बिल्डर आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर वो बिल्डर आगे बढ़ाएगा तो फिर उसको इसके खिलाफ जुर्माना देना पड़ जाएगा, और वो जुर्माना उतना ही होगा जितना एक बिल्डर खरीदार से लेता है किसी गलती पर। इसके अंदर आ जाते हैं और भी कई नियम। उन नियमों में से एक ये है कि जब बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो बिल्डिंग के बनने के बाद 5 साल तक जो बिल्डिंग की जिम्मेदारी है वो बिल्डर की ही रहेगी, और बिल्डिंग में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्डर को 30 दिन के अंदर वो दिक्कत दूर करके देनी पड़ेगी। तो अब बिल्डर हाथ खड़ा नहीं कर सकते बिल्डिंग बनाने के बाद कि अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, आपने पैसे दे दिए, ये बिल्डिंग आपकी हो गई। तो अब तो मतलब आप खुश हो गए होंगे और गदगद पूरे कि अब अगर हमारे पास कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हमारे पास कानून है। अब आपको बताते हैं कि ज़मीनी स्तर पर सच्चाई क्या है।
रेरा वैसे तो केंद्र का नियम है, तो इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर राज्य में लागू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में एक नियम है कि जमीन से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, जो भी कानून है, उन पर राज्य अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं और उसके बाद लागू कर सकते हैं। तो केंद्र ने रेरा बनाया, रेरा जमीन से जुड़ा हुआ मैटर था, तो इसके तहत अभी सभी राज्यों ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं करा है। अभी सिर्फ ये 13 राज्यों में और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सिर्फ उनमें ही लागू हुआ है। गदगद हो गए ना इतने सारे अधिकार मिलने के बाद। ठीक है, 13 राज्यों में हो गया है, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें भी जल्दी ही हो जाएगा, कामना करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर आपके मन में इस वीडियो के बाद भी अगर कोई विचार या कोई शंका रह गई है, तो आप रियलिटी मीडिया का जो हमारा पेज है realtymedia.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमें फेसबुक पे मैसेज भी भेज सकते हैं। आपकी दिक्कत ज़रूर दूर करी जाएगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। For more news and updates, visit our website realtymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel Realty Media.